अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 10:30। मैं यहाँ पर कुछ काम कर रहा था, मैं आप लोगों को दिखा दूं मैं क्या काम कर रहा था। तो देखिए ये कपड़े हैं फातिमा के। जैसे कि हम लोग, मैं पिछली बार गया था ना ससुराल, तो वहाँ पर फातिमा के और शालों के कपड़े बहुत कम लेकर गया था। मैं वापस जा रहा हूँ मंडे के दिन शबनम के साथ में। वहाँ से पहले औरंगाबाद जाऊँगा, फिर वहाँ से एक दो दिन के बाद अपने ससुराल आ जाऊँगा। सब फातिमा के कपड़े निकाल के जमा कर रहा था, क्योंकि फातिमा के अभी कपड़े नहीं है। इसमें से भी निकाल लिया हूँ जो जो जरूरत थी, और ऊपर दो पोटले हैं उसके फातिमा के कपड़े के, तो उसमें से भी निकाल लिया। मेरा नाश्ता पानी सब कुछ हो चुका है सुबह में ही। जो भी बर्तन धोने का था देखो सब रख दिया हूँ मोहरी में। पहले ये काम कर लेते फिर उसके बाद में वो काम करूंगा। जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में बताया था मैं जाने वाला हूँ माहिम, तो अभी मतलब कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, कंफर्म नहीं है कि चलेंगे कि नहीं चलेंगे। अभी तो 10:30 ही बज रहे हैं, इंशाल्लाह देखो अगर जाना होगा तो जाएंगे, वरना फिर। फातिमा के लिए ये खिलौना भी ले लिया, और भी बहुत कपड़े निकाल लिया मैंने, और बैग में तो इतने कपड़े आएंगे नहीं, तो इस वजह से थैली ले लिया मैंने। ये पूरे कपड़े इसके अंदर भर दूंगा। तो हो गया फातिमा का पूरा कपड़ा इसमें थैले में भर के। मेरा जो भी है वो मैं डाल देता हूँ, एक दो जोड़ी लेता हूँ, ज्यादा नहीं लेता हूँ। तो चले भाई मेरा पूरा काम हो गया है, देखिए पूरा हो गया। ऐसे रख दिया हूँ इसको, अभी इतना स्टैंड में नहीं लगाया हूँ मैं, क्योंकि जरूरत पड़ती है तो उसमें से निकालते रहते हैं। सब कुछ हो गया, घर की सफाई भी हो गई है, और साहिल भाई भी बैठे हुए। भाई चलने का है ना? वालेकुम अस्सलाम। पक्का ना? एकदम कन्फर्म है भाई? आ गए घर पे, मैं जब बर्तन धो रहा था तभी बोले भाई। तो फैजान भाई भी देखो जा रहे हैं, दोनों जन मस्त तैयार है। तो अभी हम लोग निकल जाएंगे, कितने बजे तक? 2 बजे तक निकलेंगे ना? तो ठीक है फिर 2 बजे तक निकलेंगे इंशाल्लाह, जोहर की नमाज पढ़ के निकलेंगे। ठीक है, तब तो मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, अभी आजान होगी थोड़ी देर में। और कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ऐसा है वो समझ जाएगा कि हमारे कमेंट में तो मतलब मेरी वीडियो में तो आके तो तारीफ करते हैं कि भाई तुम्हारे ब्लॉग अच्छे रहते हैं। कभी कभार हो जाता है बाई चांस कि अभी वाइफ भी नहीं है और फातिमा भी नहीं है, तो घर पे अकेला हूँ मैं, ज्यादा कुछ दिखा नहीं पाता हूँ। लेकिन मेरी वीडियो पे तो नहीं, लेकिन दूसरे के चैनल पे दूसरे के कमेंट में जाकर बोलते हैं कि वीडियो अच्छी नहीं बना पाता हूँ मैं। तो खैर अभी तो सीख रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह सीखने से ही सब कुछ होता है। तो अभी सीख रहा हूँ मैं, अच्छी तरह पूरा सीखा नहीं हूँ ब्लॉगिंग, और जब पूरी तरह अच्छे से सीख जाऊंगा तो आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने मिलेगा, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ ना एकदम दिल से करता हूँ और उसको एकदम अच्छे से अंजाम देता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं सीख रहा हूँ, अभी अच्छी तरीके से मैं सीखा नहीं। और देखिए मुझे देखने वाले और जो मेरे 12,500 सब्सक्राइबर है वो पागल तो है नहीं जो मुझे सब्सक्राइब किया। अगर मेरी वीडियो में ऐसे कुछ रहता तो लोग सब्सक्राइब नहीं करते, पसंद आई या कुछ हुआ है तभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब्सक्राइब किए हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं। ऐसी 5-6 हजार व्यू नहीं चले, हर इंसान में कोई ना कोई बात होती है, इस वजह से उसको पसंद किया जाता है। और जो शुरू चैनल चालू करता है, मतलब स्टार्टिंग में ब्लॉगिंग स्टार्ट करता है, तो शुरुआत से ही नहीं वो एकदम बड़ा ब्लॉगर बनता है, धीरे 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 सीखता है। और जितने भी यूट्यूब पे आए ना वो धीरे धीरे करके ही सीखे, कोई मतलब ऐसा तो इतना अच्छा ब्लॉगर पहले दिन में ही नहीं बन जाता। और मेरी वीडियो पसंद भी क्यों आएगी, क्योंकि मेरे ब्लॉग में मेरी औरत नहीं, फेस शो नहीं करती है, किसी लड़की को नहीं लेता हूँ, तो इस वजह से पसंद नहीं आया आपकी होगी शायद से। अगर लड़की लोग को अपने मतलब समझ लो अपने ब्लॉग में औरतों को शो करूंगा तो बराबर सब लोग देखना पसंद करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो गया है कि औरत रहेगी तो ही मतलब चलेगा उसका। बाकी ऐसा सिंपली अपने एक बंदा अपनी जिंदगी दिखा रहा है, कैसे गुजार रहा है कैसा नहीं, वो पसंद नहीं आएगा, सिर्फ औरत होना चाहिए ब्लॉग में बस। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड लोग, कैसे हो आप? उम्मीद आप सब खैर से होंगे। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, आप लोगों का वेलकम है यासीन सौलिया ब्लॉग में। तो चलिए फ्रेंड, मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए, आप लोग भी आओ नाश्ता करने। नाश्ते में चाय और गोल बटर। देखिए मेरी फातिमा की कल से बहुत तबीयत खराब थी, कल से इतना परेशान करी, कल गए थे उसको दवा खाने में लेके, 2 दिन से तबीयत खराब थी उसकी, तो आपको मैं ब्लॉग बना के बता नहीं पाई उसके लिए। फ्रेंड लोग आपको सॉरी। मस्ती कर रही है, तबीयत का अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटी अच्छी है। फातिमा सलाम करो, कैसे रो रही है अब्बू करके, सलाम करो सलाम। क्या हुआ पापा, क्या हुआ मेरे बच्चे को? सोनू क्या होगा? मैं कुछ बोली आपके सब्सक्राइबर को। अस्सलाम वालेकुम सबको, मेरी मम्मी की तरफ सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग कमेंट में करके बताओ कैसे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई जोहर के नमाज से फारिग हो गए और बच गए हैं 2:00 PM, और फैजान भाई भी आ गए पीछे, हमारे साहिल बादशाह भी चल रहे हैं। साहिल भाई क्या करने जा रहे हो तुम घर पे?
पैसा लेने जा रहे साहिल भाई। साहिल भाई 500 रुपए लेना। हाँ तुमको पता नहीं है साहिल भाई पूरा खर्चा करने वाले, पता है। खोल लेंगे ना इंशाल्लाह, दुकान ही तो है, क्या बोलते भाई। मैंने भी खाना नहीं खाया, आप जाएंगे मलाड़ में, 3 वड़ा पाव लेंगे, जब ट्रेन में बैठेंगे ना तो इच्छा 3 मिनट ट्रेन में वड़ा पाव। तो राजा भाई भी यहाँ पे थे, राजा भाई चलो ना भाई, इंशाल्लाह नहीं आ रहे तुम। अरे भाई अच्छा मौका है, देखो तीनों जन जा रहे हैं हम लोग, मालूम है। राजा भाई चलो ना यार, क्या नखरे कर रहे तुम। अरे भाई चलो चलो, चलो, चलो। बोलते तो चलो, चलो, चलो। ए, पहले बोला नहीं था तूने? बोला था मैंने, तो फिर बोला था क्या? एक फोन किया, बोलते नहा धो के आ जाओ 5 बजे तक। यहाँ से पहले हम लोग जाएंगे 8 नंबर, क्योंकि रिक्शे में जाएंगे तो कुछ ज्यादा ही खर्चा बढ़ जाएगा, बस में जाने वाले। हाँ साहिल भाई बस में जाएंगे ना तो रिक्शे का 100 रुपया हो जाएगा, पता है। कितने दिन के बाद जा रहा भाई माहिम में? भाई माशाल्लाह लॉकडाउन के बाद जा रहा हूँ मेरे ख्याल से। हाँ मैं भी शायद जा रहा हूँ, बीच में जाता। मैं भी तुम फैजान में माहिम आ सक नहीं गए? नहीं गया भाई। माशाल्लाह चलो भाई आज चले गए अपन सब जाने। हाँ हजेली आ गए नहीं। हाँ अपनी फैमिली रहेगी ना तो लोगों को रिक्शे से लेके जाना पड़ता, लेकिन दोस्त लोग रहते ना तो एडजस्ट हो जाता, हम लोग कहीं भी कम बजट में चले जाएंगे, क्या बोलते बादशाह? हाँ भाई भाई बादशाह मालूम की लैंग्वेज, हाँ इधर पे ऐसी बोलते हैं, तो इस वजह से कोई बुरा मत समझना इसको। क्या बोला साहिल? हाँ बादशाह बोल के रिस्पेक्ट दे रहे, बादशाह बोले तो एकदम बड़ा। फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे बस डिपो, यहाँ पे एकदम खाली खाली लग रहा है, क्या है यार, संडे है ना, संडे के दिन खाली। अच्छा हाँ बराबर, अपनी बस कहाँ आएगी वहाँ ना, क्या आगे वही है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रही, सिर्फ 3-3 ही बसें नजर आ रही है। अब देखो हमारी बस कब आती है मलाड़ की, उसको देखो ना धूप में मजे ले रहा है, सिखाई कर रहा है। आ गई क्या? नहीं है नहीं है। अबे देख क्या सिखाई कर रहा है, एकदम फुल लोटपोट हो रहा है। फैजान भाई जा रहे क्या? साहिल जाना यार, इतने ऐसे धूप में खड़े रहेंगे तो और काले हो जाहेंगे, वैसे ही काले काले हैं। और साहिल भाई यार चलो छाव में खड़े रहते हैं यार, लड़की लोग आज। हाँ वहाँ पे लेडीज खड़ी है, वहाँ पे तो वहाँ नहीं जा सकते। नहीं है भाई ये नहीं है, ये उधर पे जो खड़े ना उन लोग के लिए, नहीं है उन लोग के लिए भी नहीं है। अरे यार चालू हो जा भाई, हमारी कहाँ है, आसपास नज़र ही नहीं आ रही है कहीं। वो देख गई, वो भी, ये भी जा रही है दूसरी जगह। तो यहाँ पे बस आने से रही, हम लोग अभी जा रहे हैं 7 नंबर टैक्सी पकड़ने के लिए भाई। हाँ उन लोगों का लंच टाइम है क्योंकि अभी आए हैं। अभी देख आ रही है सामने से, यही है क्या? 73 नहीं रुकेगी भाई, देख लेते 2 मिनट, नहीं रुकेगी ना। इसको तो याद भी नहीं था टैक्सी का, मैंने याद दिलाया, बोला 7 नंबर पे भाई टैक्सी भी जाती है मलाड। तो चलो बस बाय बाय, हम लोग जा रहे हैं अभी टैक्सी पकड़ने। तो भाई पहुंच गए हैं 7 नंबर टैक्सी के लिए, भी देखो लाइन लगी है यहाँ पर बहुत सारी, तो चलो अपन भी खड़े हो जाता है लाइन में, पहले ही आना चाहिए था यार। देखो लाइन से पूरी टैक्सी वहाँ से आ रही है, आप पहले ही आ जाते ना तो इतना वहाँ पर खड़े रहना नहीं पड़ता। वो उन लोगों को जाने दे भाई, उसका टेंशन नहीं, अभी टैक्सी है अपनी जिंदाबाद। चलो चलो फाइनली आ गई टैक्सी भाई, खोलो खोलो पीछे जाके बैठेंगे, ठीक है। हाँ आराम से चढ़ आ जाओ फैजान भाई, अल्लाह अकबर। तो फाइनली हम लोग बैठ गए भाई, यहाँ पे आके साथ हम लोग को सीट मिल गई यार, वहाँ पे कितने देर से खड़े हैं ना भाई, सही नहीं कुछ फायदा नहीं था, धूप में सिर्फ काले हो रहे थे और कुछ नहीं। हम लोग पहुँच गए मलाड़, उतरी है जनाब। चलो 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 15 कितने मिनट में पहुंचे साहिब? अल्लाह अकबर हम लोग आ गए मलाड़, देखिए कितने मिनट में पहुंचे। चलो रोड क्रॉस कर लेते भाई, 15 मिनट में पहुँच गए ना माशाल्लाह, अभी बस में रहते ना तो कम से कम 20 से 25 मिनट जाता हम लोग, एकदम संभाल के रोड क्रॉस। चलो यहाँ से शॉर्टकट मार के जाएंगे अंदर, एक दूसरा रास्ता भी था वहाँ से, वो रास्ता बंद कर दिया और ये अलग रास्ता चालू कर दिया यहाँ पर, देखो। तो देखिए यहाँ का घर एकदम पुराना हो गया यार। मलाड़ में आता हूँ ना तो इतने सामान दिखते हैं मुझे, सब कुछ क्या लेने दिख रहा है, सब कुछ खरीदने का दिल करता है मेरे। साहिल क्या देख रहा है यहाँ पे भाई? मुझे बोल रहे थे किसी दुकान पे नहीं रुकना, अभी तुम क्या खड़े रह के देख रहे हैं यहाँ पे? भाई जूस हो गया, हमारे छोटे भाई लाइन में लगे हैं टिकट निकालने के लिए। तो ले लिया मैंने टिकट, इसको बहुत मजा आती है भाई।
कितने लोग तो गिर भी जाते हैं, इसमें अंदर सबसे ज्यादा इसमें चढ़ने के लिए लेडीज लोग डरते हैं, बाकी और कोई बुड्ढे लोग। हाँ मैं तो भाग क्यों रहा है, आराम से, एक गई तो दूसरी आएगी ना। अरे अल्लाह साहिल भाई बहुत जल्दी में लग रहे थे, वो ट्रेन खड़ी है ये। एक मिनट एक मिनट, चढ़ गए भाई ट्रेन में हम लोग भागते भागते बाहर। क्यों रुक गई बे? हो गया बता। ऐसा है क्या? उस साइड स्टेशन का मैंने देखा ही नहीं, नहीं होता है इसका, इसका टायर। अबे लोखंड का था, पंचर कैसे हो गया साले? यार पूछ रही है ना, उल्लू बना रहे मेरे को। तो फाइनली हम लोग माहिम पहुंच गए। हाँ भाई पास में उतरने की कोशिश, तो फाइनली हम लोग उतर गए भाई। अभी कहाँ जाने का साहिल? हाँ अभी वो ब्रिज से चढ़ के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे जाने, प्लेटफॉर्म पे जाने का। चलो ट्रेन, बाय बाय, जाओ तुम, चलो 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 फटाफट। हाँ तो वहाँ जाना है हमें। अमेजिंग यहाँ माहिम पहुंच गए फ्रेंड्स हम लोग, और बाहर निकले तो देखो टैक्सी वाले खड़े हैं, लेकिन हम लोग टैक्सी से नहीं जाएंगे, इधर तो नजदीक ही है, हम लोग पैदल पैदल जाएंगे वहाँ से। चलो फटाफट रोड क्रॉस कर लेते हैं, इस बाजू देखो। घर से कुछ खा के नहीं निकले तो हम लोग रास्ते में आए यहाँ पर, बोला पहले कुछ खा लेते भाई, फिर आगे का सफर तय करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक ही कटलेस पाव में एकदम पेट फुल हो गया भाई, एकदम क्या बोलते साहब, आवाज़ बनाए थे एकदम वो डाल के, सलगम एकदम डाल के एकदम मस्त बनाए थे, तभी तो इतना महंगा लिए। तो गाइस यहाँ पे ट्रैफिक देखिए, ट्रैफिक में जहाँ जहाँ घूम घूम के जाना पड़ रहा है। साहिल भाई तो पहले निकल गया था, तो ये सीधा सीधा रास्ता। फाइनली हम लोग पहुँच गए, देखिए अभी से क्राउड नज़र आ रहा है यहाँ पर। अबे खिलौने, तो देखिए सामने है मज़ार शरीफ, माशाल्लाह नज़र आ गया दूर से ही। यार माहिम में जो ये मार्केट लगती है ना, सिर्फ दिल करता है कि देखते जाओ बस, सिर्फ देखने से दिल ही नहीं भरता है ना। तो देखिए यहाँ पे माशाल्लाह टोपी कितनी प्यारी प्यारी है, यहाँ पे मज़ार वो सब फ्रेम वगैरह रखा हुआ है। मैं आप लोगों को पूरी मार्केट घुमा रहा हूँ, देखते रहिए ठीक है। तो वहाँ पे भी पूरी टोपी की दुकान है, और यहाँ पे देखो पूरी इत्र का। तो हम लोग और करीब पहुँच गए, तो चलते हैं और अंदर। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए इधर पे, चप्पल हम लोग ने साइड में उतार दिए। यहाँ पे सबसे पहले वजू करेंगे, फिर जाएंगे अंदर ज़ियारत करने। तो ये है यहाँ का वजू खाना, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वजू करके हो गया, अब चलते हैं अंदर और देखते हैं वीडियो बनाने देंगे कि नहीं, जैसा भी रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। पहुँच गए अंदर, यहाँ पर लाइन लगी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत करके आ गए हम, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़ियारत करके आ गए। अल्लाह पाक इन बुज़ुर्ग का सदका हमें नसीब फरमाए। अभी हम लोग जा रहे हैं माहिम के पीछे, समुंदर है तो उधर ही जा रहे हैं। देखिए यहाँ का रास्ता ऐसा गली गली है। मेरे को ऐसा डर लग रहा था अंदर वीडियो बनाने के लिए, तो इस वजह से ज़्यादा नहीं बना पाया, आप लोगों के साथ शेयर किया। और देखिए पहुँच गए हम लोग,
माशाल्लाह। तो ये पीछे साइड है माहिम के। राहुल है ना साहिल भाई, फैजान का फर्स्ट टाइम माशाल्लाह। धूप इतनी है ना उधर, देख रहा तो पूरा आंख में से आंसू पानी निकल रहा है। देखो घोड़ा हक है, खड़ा हवस लग रहा है। फैजान भाई बैठेंगे? हाँ साहिल बैठेगा। अच्छा ऐसे नहीं बिठाते ना, नहीं। चलो थोड़ा और वहां जाते आगे। अबे पब्लिक नहा रही है वहां पे, साहिल नहाते भी है? चलो मारते फिर डुबकी। अरे मेरे को नहाने का दिल कर रहा है भाई, मारते ना अबे, नहाते ना मजा आएगी भाई। यहाँ पर देखो बचका है लोग कैसे नहा रहे। अबे साहिल जैसे देखो कहाँ पे आ गए हम लोग। क्या देखिए फ्रेंड्स वहाँ सामने ना, अबे धक्का क्या दे रहे। देखिए फ्रेंड्स सामने वाला ब्रिज है, देखो क्या माशाल्लाह एक नंबर यहाँ। और उधर पे भी नाव है, कहाँ पे? हाँ हाँ अच्छा वहाँ जा सकते थे पहले, अभी नहीं। अच्छा नाव से, अरे हाँ अभी देख ना नाव जा रही है वहाँ पर। तो फ्रेंड्स बस हम लोग ने आ गए यहाँ पे, औलिया कराम की ज्यारत भी कर ली और इधर पीछे साइड घूम भी लिए, और बच गए हैं अभी दोपहर के 4 और हम लोग जा रहे हैं अभी वापस। हाँ साहिल भाई बस ना, साहिल भाई का मन भर गया, बोले बस हो गया भाई देखने आए थे अपन ने देख लिए, बस अभी चलते हैं घर पे। अभी तो हम लोग जा रहे हैं घर पे, इंशाल्लाह फिर आएंगे हम लोग। अभी यहाँ से जाएंगे स्टेशन, स्टेशन पकड़ेंगे वहाँ से ट्रेन, फिर वहाँ से मलाड जाएंगे, फिर मलाड से बस पकड़ के डायरेक्ट घर पे जाएंगे। तो वही सेम क्रॉसिंग वो आगे होने वाली है, तो मिलते हैं डायरेक्ट घर पे। ऐसे ही जा रहा था मैं उधर नानी के भाई कर रहा हूँ। अच्छा नानी का भाई। हाँ चलो चलो फाइनली हम लोग पहुंच गए हमारे घर पे। अभी हो रहे हैं शाम के 6:30 और साहिल भाई देखो क्या जमा कर रहे हैं, कटोरी कटोरी जमा कर रहे हैं। हम लोग आते आते ले लिए थे सूप, क्योंकि डील हुई थी चाय की, लेकिन बोला अभी कौन जबरदस्ती उसके मगजमारी में पड़ेगा, इस वजह से आते आते हम लोगों ने सूप ले लिया। और फातिमा के लिए वो गुड्डा लिया मैंने, बोलने वाली होती है ना जो इसके मुंह में से निपल छिल लेते, वो वाली वही पैकिंग करवा रहा था वहां से। हम लोग आ गए अपने घर पे फटाक से। चल भाई बैठो बैठो। तो यहाँ निकल रहा हमारा सूप, निकालो भाई 1/3 होएगा यहाँ पे। देखो सब अपने एक एक गिनती करेंगे। अबे खोटा इसके हाथ में दे दिया भाई, चीटर एक नंबर का। बराबर ना एकदम बाहर दूंगा इसकी भाई, एकदम पूरा देख दाख के डालूंगा भाई। हाँ तो वाला हिस्सा मेरे को देना भाई, उसके अंदर चिकन ज्यादा गिर गया। इसके साथ भी इसमें कम आया ब्रो, देख रहा हूँ ना। चलो भाई अपना तुम्हें को ये चाहिए? नहीं नहीं वो रहने दे साहिल को खाने दे जाने। अरे तुम वाइट उसमें भी, अरे भाई निचोड़ ना इसको, अबे निचोड़ फैजान में निचोड़े फैजान में निचोड़े हुए पहले से, तुम इसको निचोड़ होता है। चलो अबे वो कहा है? हाँ मिल गया मिल गया। और इसके अंदर ले लिया था उन्होंने बहुत सारा टाइम पास, तो उसको ऐसा मिलाएंगे इसके अंदर मस्त। ये लो भाई सब अपना अपना चम्मच ले लो। और वहां पे हम लोगों ने आप लोगों ने देखे कि हम लोग सिर्फ एक ही क्या बोलते हाँ कटलेस पाव खाए थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाए थे। फ्रेंड्स आप लोगों में से किसको पसंद है सूप जरूर कमेंट करके बताना। हमारा नाश्ता वगैरह सब हो गया और आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, और बहुत थक भी गए हैं तो मैं सोचा जल्दी ब्लॉग एंड कर देता हूँ। तो वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें।